कालीचरण की गिरफ्तारी पर एमपी छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने, नरोत्तम मिश्रा के विरोध पर बघेल का तंज। आज तक में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक कालीचरण को एमपी के खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था। बिना एमपी पुलिस को इसकी सूचना दिए कार्रवाई को नरोत्तम मिश्रा ने संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस के एक्शन को जायज ठहराया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को मध्य प्रदेश पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। मिश्रा ने बताया कि उन्होंने एमपी के डीजीपी को छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करने के लिए कहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे विवाद पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि न्याय में इतना विलंब नहीं होना चाहिए कि वह अन्याय लगने लगे। सीएम बघेल ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए ट्वीट के जरिए कहा, छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज के परिवार और वकील को उनकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लोगों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती है कि गांधी नेहरू किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति का अपमान करना नागवार हो सकता है, लेकिन ये अपराध नहीं है। जनसंहार की धमकी देना है। नरसंहार के आह्वान पर आंखें मूंद कर गांधी का अपमान करने के लिए ठग को गिरफ्तार करना ही दिखाता है कि भारतीय मुसलमानों का कितना अमानवीकरण किया गया है। कौन परवाह करता है कि कालीचरण गांधी की पूजा नहीं करते हैं या गोडसे की पूजा नहीं करते हैं। लोकतंत्र में लोगों को आलोचना का चुनाव करने का भी अधिकार है, लेकिन सभी राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों की एक श्रेणी के खिलाफ नरसंहार के आह्वान के खिलाफ शून्य कार्रवाई चिंताजनक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षक अपूर्वानंद लिखते हैं कि गांधी को गाली देने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, वो उसे पहले ही मार चुके हैं। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए गालियां और धमकियां अधिक वास्तविक है। मौखिक हिंसा के बाद हमेशा शारीरिक हिंसा होती है, ये अधिक गंभीर है। पत्रकार विनोद कापड़ी लिखते हैं कि संभवतः अशोक गहलोत पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार के खिलाफ खुलकर बयान दिया है। काश सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उस शर्मनाक अधर्म संसद के खिलाफ बोलते, तभी देश का संविधान और देश बचेगा। पत्रकार साक्षी जोशी लिखती है कि महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द कहने वाले कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस गिरफ्तार करती है और 3 दिन तक कथित धर्म संसद का आयोजन करके मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वालों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। यही सरकार की सच्चाई है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल न्यूज आप तक पहुंचती रहे।